नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याण। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद एवं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र गब्बर कुवाल के खिलाफ कल पुलिस कंट्रोल रूम पर वहीं के क्षेत्रवासियों ने कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिया था, जिसके बाद आज पार्षद गब्बर कुवाल के समर्थन में कांग्रेसी नेताओं के साथ क्षेत्रीय रहवासी पुलिस अधीक्षक कार्यालय कंट्रोल रूम पर पहुंचे। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी एवं वार्ड 45 के रहवासियों ने एसपी कार्यालय पर ज्ञापन दिया। इस दौरान राजेंद्र कुवाल ने कहा कि मैं वार्ड क्रमांक 45 में निर्वाचित पार्षद हूं। चुनाव जीतने के पश्चात वार्ड में भाजपा एवं आप पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार एवं अन्य लोगों द्वारा लगातार मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और आए दिन यह लोग थाने में झूठी शिकायत करते रहते हैं। भाजपा एवं आप पार्टी के यह लोग मेरे खिलाफ बागपुरा स्थित संत बालीनाथ धाम महाराज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और थाने में झूठी शिकायत करने के लिए वार्ड के लोगों को भ्रमित करते हैं। गब्बर कुवाल ने बताया कि 11 जनवरी 2023 को जेके हॉस्पिटल के डॉक्टर कात्यायन मिश्र एवं मैनेजर टिंकू अग्निहोत्री द्वारा रुपयों के बल पर धर्मेंद्र भरुआ, निर्मल बोबाना, शिव प्रकाश मेहर, नर्मदानाथ उर्फ रोहित बेंडवाल महाराज और जेके हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मिथ्या आरोप लगाकर जिला बदर करने की कार्यवाही का ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी ऐसा करता तो मैं 4 बार चुनाव को जीतता हूँ कांग्रेस पार्टी से। और जो मेरे खिलाफ जो पैसे देके आवेदन दिलवा रहा झूठा, वार्ड क्रमांक 45 में चुने हुए पार्षद के खिलाफ भाजपा द्वारा चुनावी रंजिश के तहत कूट प्रथा मैनेजर टिंकू अग्निहोत्री द्वारा लगातार मेरे खिलाफ और बीच में गब्बर ने मंदिर बनाया तो वो काय को तोड़ने जाएगा। और हमारी लाइन की हमारे इधर के कोई भी नहीं थे, हमको तो कल पेपर में आया ना सर, जद मालूम पड़ा, नहीं तो हमको मालूम ही नहीं है कि क्या बात हो रही क्या बात नहीं हो रही। ये लोग ये देख के चलते कि ये जीत गया हाथ के पंजे में, इसको वो महाराज लोग ही कर रहे हैं उधर के। 11 जनवरी 2023 को जो मेरे खिलाफ शिकायती आवेदन देकर शिकायत की गई है, उस स्थल संत बालीनाथ मंदिर एवं आसपास स्थल पर कैमरे लगे हुए हैं, उनकी फुटेज देखकर सूक्ष्मता से जांच की जाए जिससे स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। कुवाल ने कहा कि जेके हॉस्पिटल द्वारा 2 आवासीय प्रयोजन के भूखंडों को मिलाकर इनका व्यावसायिक उपयोग हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अलग अलग विभागों में भी की गई है, जिसे लेकर इन लोगों द्वारा मुझसे काफी द्वेष रखते हैं। रहवासियों ने तथा कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की। राजेंद्र कुवाल के खिलाफ इन लोगों द्वारा जो आवेदन देकर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जाने और जांच उपरांत आरोप झूठे पाए जाने पर इन लोगों पर लोकतांत्रिक तरीके में एक निर्वाचित पार्षद के खिलाफ षड्यंत्र करने, साजिश रचने और झूठी शिकायत कर मानसिक प्रताड़ना देने का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए। मामला यह है कि बेरवा दिवस 31 दिसंबर के दिन रहता है, उस दिन संत बालीनाथ दिवस के अवसर पर वहाँ पे कम से कम 2-3 हजार जनता रहती है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं, सब लगे हैं और आसपास भी सीसीटीवी फुटेज लगे। एक चौकीदार 24 घंटे बैठता है वहाँ पे। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि 31 तारीख के दिन मैंने इनसे गाली गुत्ता करी कुछ करा, जबकि वहाँ पे मैं 31 तारीख के दिन पूजा पाठ करने के लिए गया था, सबके साथ में पूजा पाठ करने के लिए गया था, कोई गाली गुत्ता नहीं हुई। महाराज का मेरा उनका सामना आमना सामना भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये किसी और के कहने से। और मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़े धर्मेंद्र बरुआ, शिव प्रकाश मेहर, ये इनके साथ में आके ये मेरे खिलाफ आवेदन झूठा ज्ञापन दे रहे हैं।